हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल अखिल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर के करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के सप्लीमेंटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़, दोनों न्यूज़पेपर की। तो अपनी पहली न्यूज़ है कि इंडिया ने जो अपनी फर्स्ट कोविड नसल वैक्सीन डिस्कवर कर ली है। इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट आपको नोज से सूंघनी पड़ती है। अब ये क्या है कि ये डेवलप किसने करी है, ये डेवलप करी है भारत बायोटेक हैदराबाद ने, ठीक है, भारत बायोटेक ने, बीबी, राइट। अब ये फर्स्ट इंट्रानसल वैक्सीन है कोविड-19 की, ठीक है। और इंट्रानसल वैक्सीन इज ए वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड टू ए पर्सन वाया नोज, ये नोज के थ्रू ली जाती है, ठीक है। यहाँ से इसके, ये देखो, यहाँ से ऐसे ली जाती है, ठीक है। अब इसके प्रिवेंट इन्फेक्शन बचता है और इसमें, और ये थोड़ा सा डिजीज से ज़्यादा प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है उससे, नॉर्मल वैक्सीन से। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं इंटरनेशनल के? अब फर्स्ट तो ये है कि ये मोर इफेक्टिव है और ये निडल फ्री है और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके लिए किसी स्किल वर्कर की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसको कोई भी आदमी, बेशक वो पढ़ा लिखा है नहीं है, स्किल्ड है अनस्किल्ड है, कोई भी इसको अपने आप से यूज़ कर सकता है। लेकिन जो निडल वाला इंजेक्शन होता है उसके लिए एक हमें स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए, और इसका हाई कंप्लाइंस है, ठीक है। और आइडियली चिल्ड्रंस और एडल्ट को ज़्यादा सूट करती है ये, और स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ईजी है ये, ठीक है। इसके तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आपके पास इन दोनों के बीच में हेल्थ में कोई आ रहा है कि वैक्सीन में इंट्रा नसल और नसल वैक्सीन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेज है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप ये कोट कर सकते हो अपना। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है EWS कोटा के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि जो कोटा के कंसर्न है कि आप उनको भी अली करो, उनको भी डिस्कस करो, ठीक है। EWS कोटा अपना जो 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो वीकर सेक्शन थे उनको दिया गया था, ठीक है। अब इसके पहले हम जान लेते हैं कि EWS कोटा है क्या। ये 10% EWS कोटा दिया था 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2019 में, ठीक है। इसके लिए अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी थी आर्टिकल 15 और 16। ये क्यों करनी पड़ी थी? लेकिन क्योंकि आर्टिकल 15-16 में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया कहीं नहीं था, तो वो अमेंड करके उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया और ऐड किया गया है, और ठीक है। और इकोनॉमिक रिजर्वेशन सिर्फ ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को है, और ये इसके कुछ ये है कि जो 50% जो कोटा देती है गवर्नमेंट, जो जिसमें SC ST OBC वगैरह ये आते हैं, जो उनमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, जो उनमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ उनसे एक्स्ट्रा जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है, जो उनमें ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये सिर्फ कोटा उनको प्रोवाइड किया गया है, राइट। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, उनको कोटा क्यों दिया गया है? एड्रेस इनइक्वालिटी के लिए, क्योंकि जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उनमें जो भी वीकर सेक्शन थे, जो पुअर थे, वो भी प्रॉपर अपना जो फैसिलिटीज थी उनको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी एजुकेशनली वाइज या फिर जॉब वाइज बैकवर्ड ही हो रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए वो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए अमेंडमेंट करी। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, रिडक्शन इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारी चीज़ें एड्रेस करने के लिए हमें 1/3 अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी, जिसमें EWS कोटा ऐड किया गया। अब इसके कुछ कंसर्न हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करने के लिए बोला है। फर्स्ट तो ये है कि जो इंदिरा स्वामी केस था रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, उसमें ये था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है। एक तो ये जस्टिफाई है या नहीं, सेकंड ये था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया में SC BC OBC ये सब इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, क्या वीकर सेक्शन उनमें नहीं है या फिर उनमें है, तो क्योंकि देखो ऑलरेडी कोटा उनको तो प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये है कि कहीं ना कहीं उनके भी तो राइट ब्रीच हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर हम इसकी बात करें तो, ठीक है। और अगर दिया है तो 50% वाली लिमिट टूट रही है इससे, ठीक है, क्योंकि 50% ऑलरेडी दे रहे हैं, 10% ये दे दिया, जो अनरिजर्व कैटेगरी जो दूसरी बच गई बिल्कुल, उनके लिए तो 40% बच गया ना बिल्कुल, ठीक है। तो एक कंसर्न ये था, और नेक्स्ट कंसर्न था अपना इसका कि वट एवर द इम्पोजिशन ऑफ द EWS कोटा ऑन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन, कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो ये बेसिक से कंसर्न थे जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एड्रेस करने के लिए कहा है। लास्ट टाइम ये न्यूज़ में इसलिए भी था कि जो EWS कोटा दिया गया है, जो इसका क्राइटेरिया है कि वो डिस्कस करो, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि सेंटर की साइड से तो एक ही है। अब जो इनकम के बेस पे किया था 8 लाख पर एनम के हिसाब से, तो 8 लाख हरियाणा पंजाब जो प्रॉस्पर स्टेट हैं वहाँ पे तो बड़े इजीली कमा रहे हैं लोग, गुजरात वगैरह जो अच्छे स्टेट हैं, लेकिन जो बिहार छत्तीसगढ़ वगैरह जो थोड़े से बैकवर्ड स्टेट हो गए, बिहार झारखंड वगैरह, उनमें लोगों को इतनी इनकम अर्न कर पाना उनके लिए मुश्किल है। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा?
तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सेंटर को ये भी डायरेक्शन दी थी कि इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया जाए। ठीक है, यही था अपना AWS कोटा के बारे में। अब नेक्स्ट है अपना SC ने डिसेबल्ड जो IPS कैंडिडेट हैं उनकी रिक्रूटमेंट नहीं होती, तो उनके लिए बोला है कि जो जैसा आपको पता है कि UPSC के अंदर जो IPS की रिक्रूटमेंट होती है, जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फिजिकली, क्योंकि एग्जाम से तो सब एक है, लेकिन जो फिजिकली क्राइटेरिया होता है उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। आइज का हो गया, फिजिकल फिटनेस का हो गया, नोकनी का हो गया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें फिजिकली फुलफिल करने होते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जो IPS की पोस्ट है, जो क्राइम ब्रांच वगैरह में हो गई, उनमें ये यूज़ करे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये प्रैक्टिस इजराइल, अमेरिका, कनाडा, उनमें ये प्रैक्टिस करी जा रही है। जो डिसेबल्ड हैं उनको उनके अकॉर्डिंग सुटेबल पोजिशंस पे, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है डेपुटेशन पे उनको, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि अगर वहाँ पे किया जा रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं, क्योंकि एट द एंड जो कैंडिडेट हैं इनके, उनके राइट्स के खिलाफ ये, जो उनका राइट्स है ह्यूमन राइट, उसका ये वॉयलेशन है ना। ठीक है, अब्यूज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, कि एक तो उनको PWD एक्ट में ये है कि जो उनको बराबर हक देना है, अब उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनको किसी पोस्ट से बाहर किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनको भी IPS की पोस्ट दी जाए और उनके अकॉर्डिंग उनको साइबर क्राइम या फिर किसी और सुटेबल पोस्ट में उनको ऐड किया जाए, राइट। अब नेक्स्ट अपना सेफ्टी के बारे में। अब इसमें ये है कि देखो 6 एयरबैग गवर्नमेंट ऑलरेडी मैंडेटरी कर चुकी है, ठीक है, और ये सीट बेल्ट अलार्म फ्रंट में तो था, अब गवर्नमेंट बोल रही है इसको कि रियर सीट बेल्ट होती है जो, उसका भी अलार्म पैसेंजर वाले का कि वो शो किया जाए, जिससे कि लोग अवेयर रहें और सीट बेल्ट का जो लो है उसको पालन करें, कि किससे कि उनकी सिक्योरिटी सेफ रह सके। अब मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पर सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,000 रुपये का फाइन भी लगाया हुआ है, लेकिन लोग है कि फिर भी केयरलेस में इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो लोगों को भी अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है SYL के बारे में, सतलुज यमुना लिंक। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल, सतलुज यमुना लिंक बस बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये हरियाणा पंजाब के बारे में। और अभी HCS भी होने जा रहा है तो अपना इस साल अक्टूबर में मेंस है इसके, तो आप ये टॉपिक बड़े ध्यान से समझिए और इसका अच्छे से मीन्स इसका वो अगर एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छे से लिख पाएं, तो इसको आप अच्छे से समझो कि SYL है क्या, कि क्यों इसके ऊपर कंट्रोवर्सी इतनी चली हुई है, क्योंकि 1966 में जब हरियाणा पंजाब डिवाइड हुए थे ये कंट्रोवर्सी तब से ही है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये तब से ही चल रही है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो एक बार हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अब 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब का, तो ये था कि तब बात हुई थी कि हरियाणा को सतलुज का पानी मिलेगा, ठीक है, लेकिन 1977 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ, 214 किलोमीटर सतलुज यमुना लिंक की बात हुई, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यमुना तक ये 214 किलोमीटर था, इसमें से 92 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता था और बाकी अपना पंजाब में पड़ता था, 122 किलोमीटर, ठीक है। अब 1980 में हरियाणा ने तो अपना ये पार्ट बना लिया, लेकिन 2004 में पंजाब ने लॉ पास किया कि जो उसने पिछले जो लॉ एक्ट पास करे हुए हैं उनको टर्मिनेट करने का वाटर शेयरिंग के बेस पे, तो अब हरियाणा गया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि पंजाब के जो प्रोमिस थे वो फुलफिल करने में उसको ना कर रहा है, तो इस एक्ट को उन्होंने इनवैलिड करार कर दिया, ठीक है, और डायरेक्शन दी कि जल्दी से जल्दी इस जो मैटर है ये इसको सोल्व करो अपनी बाइलेटरल टॉक से। लेकिन ये ऐसा मैटर है जो आज तक चला हुआ है और इलेक्शंस में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है वोट लेने के लिए, पंजाब में भी यूज़ करते हैं और हरियाणा में भी, लेकिन एट द एंड इसका सोल्यूशन कोई निकाल नहीं रहा है कोई सी भी पार्टी। अब बैकग्राउंड में वही, जैसे 1960 में जब इंडस वाटर रिवर ट्रीटी हुई, अब इसमें क्या था, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी किसके किस किस के बीच हुई थी, इंडिया पाकिस्तान। अब इसमें ये था कि चेनाब, झेलम और इंडस का पानी मिलेगा पाकिस्तान को, और सतलुज, रावी और ब्यास का पानी मिलेगा इंडिया को। अब इसमें सतलुज में भी जब 1966 में और डी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब, उसमें ये था कि हरियाणा गेट्स इस शेयर ऑफ द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ब्यास, इसका पानी SYL के थ्रू मिलेगा, ठीक है, लेकिन पंजाब ने रिफ्यूज़ कर दिया उनके कुछ राइपेरियन प्रिंसिपल्स के बेस पे, कि उनको इरिगेशन के लिए पानी कम पड़ रहा है, कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की समस्या आ रही है, इस वजह से उनको अपने कंसर्न बताते हुए, ठीक है। अब 1981 में दोनों ने फिर म्यूचुअली एग्री हुए, ठीक है। अब 1982 में ये कपूरी विलेज में SYL की बात बनी। अब 1985 में अकाली दल के साथ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बात हुई, और इराडी ट्रिब्यूनल, ये याद रखना
ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपके साथ। इराडी ट्रिब्यूनल किससे रिलेटेड है? SYL से, ठीक है। वो बालकृष्ण इराडी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी चेयरमैनशिप में ये ट्रिब्यूनल बना। तो 1987 में इसने वो अपनी रिकमेंडेशन दी कि जो पानी का शेयर है वो 5 MAF हरियाणा के लिए और 3.83 MAF पंजाब के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पंजाब के लिए 5 MAF, हरियाणा के लिए 3.83 MAF इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने SYL को कंप्लीट करने की डायरेक्शन दी पंजाब को। लेकिन 2004 में फिर वही सीन चलता रहा कि पूरा करो। 2004 में ये पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, कि जो अपने पुराने एग्रीमेंट थे उनको कैंसिल करने के लिए पंजाब ने लॉ पास किया। तो 2016 में इस लॉ को इनवैलिड बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो पंजाब अपने प्रोमिस से मुकर रहा था, राइट। अब इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि दोनों के चीफ मिनिस्टर्स को बैठ के कि अपना मीडिएट के थ्रू या आप शांति से बात करके कि इस चीज़ को अपना सोल्व करो। अब इसमें क्या है कि पंजाब हैज़ आस्क्ड फॉर ट्रिब्यूनल फॉर फ्रेश टाइम बाउंड असेसमेंट ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। पंजाब बोल रहे हैं कि अब एक फ्रेश असेसमेंट करो कि कितना पानी है और कितना शेयर पंजाब को ज़रूरत है और कितना हम दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पंजाब उनके पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है कि वो ऐसे दे सकें और जिससे उनके लोगों का लाइवलीहुड डेंजर में आए, ठीक है। तो पंजाब का कहना है कि अवेलेबिलिटी जो रवि और ब्यास रिवर में है वो 17.7 MAF जो 1981 में होती थी, अब वो घट के 13.38 MAF रह गई है 2013 तक। तो एक फ्रेश ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू पंजाब। तो उसके बाद ही वो बातचीत करेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। अब आर्ग्यूमेंट्स पंजाब का वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ठीक है कि पंजाब 2029 तक ड्राई हो जाएगा, वहाँ पे डिफ्रेस्टेशन की समस्या आ रही है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ में उनको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वाटर इन अबाउट 79% ऑफ द स्टेट एरिया इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेड, और 79% वाटर स्टेट का एक्सप्लॉयट हो रहा है, तो इस वजह से उनके पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है कि शेयर कर सके। और हरियाणा का कंसर्न ये है कि पंजाब को चाहिए इरीगेशन के लिए, लेकिन हरियाणा बोल रहा है कि उनके सदर्न पार्ट में ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है, उनको चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। दोनों के इश्यूज अपनी अपनी जगह जायज़ हैं, लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन ऐसे अपना, अभी आपको पता है कि एक SYL गाना भी आया था ऐसे, मतलब जो क्रिटिकल मुद्दे हैं दोनों स्टेट के बीच में उनको भड़काने से नहीं होगा, शांति से बातचीत करके फ्रेश ट्रिब्यूनल बनाना है जो भी है अपना, शांति से बीच बचाव से इसका रास्ता निकाल लें। और हाँ, जो इरीगेशन या फिर जो डिफोरेस्टेशन वाली प्रॉब्लम है उसके और सारे सोल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं, जैसे ड्रिप इरीगेशन वगैरह, और जो चीज़ें होगी कि जो मॉडल टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करके, ठीक है, फ्रेश और जो अपना रेन वाटर को हार्वेस्ट करके और जो अपना वाटर को रीयूज़ करके रिसाइकल करके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनसे अपना पानी की समस्या से बचा जा सकता है। जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसको इतना वेस्ट ना करके लोगों को अवेयर करके, क्योंकि लोगों के पास जो ट्यूबवेल फैसिलिटी है जो या फिर जो हैंडपम्प होते हैं उनसे बहुत सारा पानी वेस्ट भी होता है। इसके रिगार्डिंग भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि लोग इसको अपना फ्री एसेट मान रहे हैं और उसको बेधड़क खुले उससे यूज़ भी कर रहे हैं। और जो एक नेक्स्ट कंसर्न है कि पंजाब को पानी चाहिए किसके लिए? पैडी की इरीगेशन के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1 kg ऑफ राइस टेक 3 to 4,000 liter ऑफ वाटर। अगर वो इसकी अल्टरनेट क्रॉप ढूंढ लें तो पानी कम लगेगा, क्योंकि अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होगा तो सोल्यूशन मिलेंगे। अगर अपना इलेक्शन पर्पज़ पूरा करने के लिए मुद्दे भड़काने हैं तो वो मैटर अलग है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी कोई भी नहीं है कि इसका सोल्यूशन ना निकाला जा सके। चलो देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि क्या सोल्यूशन रहते हैं। अब सतलुज और यमुना दोनों रिवर्स के बारे में हम देखते हैं। अब सतलुज कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, स्तोद्री ग्लेशियर से, ठीक है। रिवर इन जारादोस, एंशियंट ग्रीक में इसका नाम था, और लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 tributaries ऑफ इंडस। इंडस की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है सतलुज, और सतलुज इंडस की 5 tributaries कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, ठीक है। और कहाँ से राइज करती है? हिमालय तिब्बत से, लांगता सदर्न वेस्टर्न में। और लोरी स्ट्रेज इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यहाँ, कहाँ पे है ये? शिमला में है ये प्रोजेक्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ये सतलुज रिवर पे है, याद रखना ये। अब यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूच पीक से, उत्तराखंड से, ठीक है। गंगा से मिलती है ये प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, राइट। और फिर उसके बाद ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ठीक है। लेंथ है इसकी 1376 किलोमीटर। और इम्पोर्टेंट डैम है इसके पास पास यमुना नदी पर, कौन से हैं वो? लखवार व्यासी डैम उत्तराखंड में, ताजेवाला डैम हरियाणा में, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और एक और चीज़ देखो, जो गंगा है ना उसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वो होगी सोन, गंडक, केन
और ये जो यमुना है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, महानंदा ठीक है वो वाली, ये अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है यमुना भी। और फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी आगे कौन कौन सी आ गई है, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, राइट। अब ये देखो ये अपना इंडस, सतलुज यहाँ से ऑर्गेनाइज होती है, यहाँ से इंडस होती है। अगर आप मैप से देखोगे ना कि कौन सी रिवर कहाँ पे कितनी ज़्यादा है कहाँ से नहीं, तो रिवर का तो सीधा सीधा सीन ये है, अगर आप मैप से कर रहे हो तो मैप से आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब देखो ये इंडस जा रही है मेन, ये यहाँ से ये गई, अब इसकी ये ट्रिब्यूटरी होगी झेलम, चेनाब, ये अपना रवि, और ये होगी सतलुज, ठीक है ये ब्यास। अब नेक्स्ट अपना यमुना, यमुना यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली, ये पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से होते हुए दिल्ली, मथुरा, आगरा में एंटर हुई, और ये इलाहाबाद, ये गंगा में मिल गई, ठीक है जो हमने बात करी थी अपना नेपाल, ये इंडिया का बॉर्डर, तो ये गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। अब अपना नेक्स्ट है सेबी, न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि जो सेबी ने कहा है कि जिसका अनक्लेम डाटा सिक्योरिटीज़ हैं वो उनको जल्दी से जल्दी सबमिट करें और अपना जो बैलेंसेज है वो क्लियर करें। अब सेबी क्या है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो 1988 में बनी थी, लेकिन उस टाइम पे ये नॉन स्टेट्यूटरी थी, अब इसका एक्ट बना था 1992 में जिसके अंदर इसको स्टेट्यूटरी से स्टेटस दिया गया। अब सेबी से पहले क्या था कि कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज वाज रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज था जो सबको रेगुलेट करती थी 1947 में। तो धीरे धीरे जब इसको प्रपोज किया गया तो 1988 में सेबी कंस्टिट्यूट करा रेगुलर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन इसके पास पावर कम थी तो ये ढंग से रेगुलेट कर नहीं पा रहा था, तो 1992 में इसको स्टेट्यूटरी पावर दी गई और इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। अब इसके एम क्या है, ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर के सिक्योरिटी में और डेवलपमेंट में इसको कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह जो भी होगी, और जो सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है उसको ये रेगुलेट करता है। अब इसके कुछ पावर एंड फंक्शंस हैं, देख तो एक तो ये क्वासी लेजिस्लेटिव है और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर उनको देखने के ये काम आता है, और टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन इन सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का बिजनेस रेगुलेट करता है, और प्लेटफॉर्म सर्व एज ए प्लेटफॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, उनके प्लेटफॉर्म मैनेजर्स को ये सर्व करता है, जैसे बैंकर, स्टॉक बैंकर्स ये सब हो गए इनको, ठीक है। रेगुलेट द टास्क ऑफ एंट्रस्टेड टू डिपॉजिटर्स, जो डिपॉजिटर्स होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में या फिर जो शेयर मार्केट में लगाते हैं इन्वेस्टर होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उनको एजुकेट करता है, फ्रॉड वगैरह ना हो उनके लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस बना के, ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट इसने सेबी को अलाउ कर दिया था मनी पुलिंग को भी, स्कीम को 100 करोड़ तक उसके एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट अपना चीता प्रोजेक्ट, अब चीता प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है अपना ये कोनो नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है। यहाँ से क्या है कि अफ्रीका से चीता लगा के यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। चीता अपना वन ऑफ द फास्टेस्ट और वन ऑफ द एंशियंट बिग कैट है, जिसके एविडेंस अप्रोक्सीमेट 5000 साल पहले भी मिलते हैं हमें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 17 सितंबर को है प्राइम मिनिस्टर जी का हैप्पी बर्थडे, तो उस दिन ये शुरू करी जा रही है। अब थोड़ा सा चीता के बारे में देखो, ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट चीता स्पोर्ट किया गया था 1947 में और इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था 1952 में, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कुछ साल बाद इसको रीइंट्रोडक्शन करने के लिए सोची, जो इसको एमपी के किस पार्क में किया जा रहा है, कोनो नेशनल पार्क में, ठीक है। ये रहा कोनो पालमपुर इन एमपी में, यही वहाँ पे इसको रीएलोकेशन करने की बात करी जा रही है। और चित्ता क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बिग कैट्स है, जो मोर देन 5000 साल पहले भी ये मिलता था, 5000 साल पहले, ठीक है, और ये फास्टेस्ट एनिमल है अफ्रीका और एशिया में रहता है जो। अब कुछ बात ये है कि एशियन चित्ता को एशियाटिक चित्ता की जगह लाया जाए, क्योंकि एशियाटिक चित्ता तो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये थोड़े ब्राउनिश होते हैं, गोल्डन स्किन होती है इनकी और बड़े होते हैं एशियन चित्ता से। अब इनका आईयूसीएन लिस्ट में ये वल्नरेबल है साइट्स में, अपेंडिक्स वन में और डब्ल्यूपीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल टू में। एशियाटिक चित्ता थोड़े से छोटे होते हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन में और साइट्स में अपेंडिक्स वन में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल टू में। ये तो देखो सेम है, देख आईयूसीएन रेड लिस्ट, ये वल्नरेबल मीन्स फिर भी है थोड़े बहुत, एक ये स्टार्टिंग है क्वाल उसकी एक्सटेंशन की। अब यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही कम नंबर में ये बचे हुए हैं, ठीक, अप्रोक्सीमेट 50 के अराउंड। अब उसके बाद ये इनके एक्सटिंक्ट होने वाले हैं जस्ट। अब ये अपना हो गया अफ्रीकन और ये हो गया एशियन चीता। अब नेक्स्ट न्यूज है अपनी स्विफ्ट। स्विफ्ट एक प्लेटफॉर्म होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के काम आता है। अब जैसा कि आपको पता है, जब रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था
तब स्विफ्ट ने रसिया को अपने इस प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया था। अब ये चीज़ है क्या कि मीन्स ये वो चीज़ है कि जैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है ना ट्रेड की, अब इसके थ्रू ट्रांजेक्शन की जाती है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसको 10 कंट्रियाँ कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इसमें यूरोपियन बैंक हो गया और बेल्जियम बैंक भी हो गया। अब 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था ये बेल्जियम में, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी ऑफ फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीवी कम्युनिकेशन मीन स्विफ्ट। और ये ट्रस्टेड मैसेजिंग सिस्टम है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के काम आता है, ठीक है। और ये मनी सेटल नहीं करता, जस्ट एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि रसिया ने इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है। जो उसने चाइना से ट्रांजेक्शन कर रही है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रही है, वो युआन में कर रही है सॉरी, वो जो स्विफ्ट के अंदर होती है वो डॉलर में होती है, लेकिन इन्होंने युआन में करी है, ठीक है। अब अगर इन्होंने ये स्टेप लिया है तो इसको आप डी डॉलराइजेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक तरह से उन्होंने डॉलर को बाईपास कर दिया ना, और स्विफ्ट को भी बाईपास कर दिया। कहीं ना कहीं इसकी भी जो रेलेवेंसी है उस पर भी क्वेश्चन उठ सकते हैं कि स्विफ्ट क्या काम कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसको मैनिपुलेट कितने ईजिली उन्होंने अपना युआन में ट्रांजेक्शन करके इसको बाईपास कर दिया है, राइट। अब नेक्स्ट अपना क्वेड, ये इनफॉर्मल समिट है जो अभी टोक्यो में हुई थी, नेक्स्ट ईयर ये दिल्ली में होने वाली है। अब इसमें चार कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन्होंने अभी बात करी है कि जो चाइना का मूव्स हैं पैसिफिक ओशियन और इंडो पैसिफिक में, जो अभी ताइवान वगैरह से रिलेटेड वो चीज़ चली हुई थी, और कोविड वैक्सीन के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट ईयर ये समिट दिल्ली में होने वाली है, क्वेड के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। अगर आपको क्वेड के बारे में प्रॉपर डिटेल चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना इंडिया बांग्लादेश। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की सॉरी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया के दौरे पे हैं, उनके बहुत सारे डील्स पे, तिस्ता रिवर इशू पे बात हुई, और उन्होंने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो बांग्लादेश किससे इंपोर्ट करता है, जो हमने कल करंट अफेयर में देखा था चाइना से, वो अब इंडिया से लेने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ऐसा यही न्यूज़ है, कल वाली आप न्यूज़ देख के आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, और इस पे हम आज एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश पे, ठीक है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आपको मल्टीपल सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अपना आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।